देख रहे हैं एसकेके न्यूज। एसकेके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं अंजलि। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ एसकेके न्यूज पर देखें बिहार की खबरें। बिहार पटना, आज डायबिटीज हर घर की समस्या हो गई है। प्रत्येक घर में 2 से 3 व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। अब यह बीमारी तेजी से बच्चों एवं युवाओं को भी अपनी शिकार बना रहा है। इसके बावजूद लोग यह समझने को तैयार नहीं कि डायबिटीज कितना खतरनाक है। हर 8 मिनट में एक डायबिटीज से पीड़ित रोगी की मौत होती है और उसी 8 मिनट में एक डायबिटीज रोगी जन्म लेता है। आपको यह जानकारी दे दूं कि विश्व में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण डायबिटीज है। एक बात और बता दूं, अगर एक बार डायबिटीज घर में प्रवेश कर गया तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। अभी भी समय है, आसथा फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे वॉक फॉर लाइफ डायबिटीज जागरूकता अभियान के साथ चले, उनमें कहे डॉक्टर के बातों को सुने। आपको पूरी जानकारी दे रही है आसथा फाउंडेशन की निर्देशिका निक्की से, जरूर इनके बातों को गौर से सुने। पटना से सनोवर खान के साथ नसीम रब्बानी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं निक्की सिंह, डायरेक्टर आसथा फाउंडेशन। आसथा फाउंडेशन डायबिटीज को लेकर जो मुहिम चला रही है, आप सभी का पूरा भरपूर सहयोग और प्यार मिला इसे, तो उसके लिए आस्था फाउंडेशन तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार करती है, धन्यवाद करती है आप सभी का। ये कैंपेन हमने बहुत जगह बिहार और झारखंड में कर चुके हैं और इसे लोगों ने तहे दिल से अपनाया है और अपने जीवन में मॉर्निंग वॉक को चालू रखा, शुरू कर दिया है। लेकिन इसी के तहत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि डायबिटीज कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे आज ये बात कहना चाहूंगी कि प्लीज आप इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसका करेंटली पता चलता नहीं है। ये बहुत दिनों के बाद जाकर आपके शरीर को ये खोखला बनाती चली जाती, तब लोगों को एहसास होता है कि डायबिटीज कुछ है। तो आस्था फाउंडेशन क्यों कर रही है, आपके लिए कर रही है, ये लोगों को समझा रही है, आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि आप इससे बचे। एक पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो डायबिटीज को लेकर अपना मुहिम चला रही है और एक एक लोगों को ये समझा चुकी है कि डायबिटीज कुछ है, तो आप इससे बचें। और हमारी टीम सभी डॉक्टर से भी जाकर रिक्वेस्ट करती है और वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं हमारे इस कैंपेन को, अभियान को, और लोगों के बीच जाते हैं हम सभी और उन्हें बतलाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आखिर हम क्यों कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, तो आप सुनें, समझें और हमारे इस अभियान में आए और लोगों को भी बतलाएं कि हमें इस अभियान से जुड़ना है, क्योंकि डायबिटीज आने वाले समय में एक भयावह रूप ले सकती है। तो इसे भयावह बनाने की जरूरत नहीं है, हम और आप मिलकर अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग लाकर इसे बहुत ही कम कर सकते हैं। क्यों कर रही है, आपकी आने वाली पीढ़ी को आस्था फाउंडेशन बचाना चाह रही है, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी, आज की जो हमारी जनरेशन का हमारी जो है, उससे बच सकते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इससे बच सकती हैं। तो अपने बच्चों को बचाइए, आप भी बचें और लोगों को समझाएं। तो प्लीज हमारे इस अभियान में से जुड़िए और एकजुट होइए और इस डायबिटीज को डायबिटीज मुक्त भारत बनाइए।